हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं मेट्रो ट्रेन के रूट के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं मेट्रो ट्रेन कानपुर की स्मार्ट सिटी और यानी कि ग्रीन स्मार्ट सिटी के साथ साथ ग्रीन सिटी को और ज़्यादा निखार के लाएगा, क्योंकि जो अभी तक सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो ट्रेन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, बाकी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। चाहे एयरपोर्ट की फैसिलिटी हो, चाहे हमारे क्या ट्रेन की फैसिलिटी हो, चाहे बस की हो, चाहे टेम्पो की हो, चाहे ऑटो रिक्शा की हो, चाहे जनरल रिक्शा की हो, सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी ट्रांसपोर्टेशन में हमारे कानपुर में। लेकिन बस नहीं था तो क्या था, कानपुर मेट्रो ट्रेन की फैसिलिटी नहीं थी, जिसके लिए जो है कानपुर की जनता बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन 15 नवंबर 2019 में योगी जी ने कानपुर में आकर के ये ऐलान किया कि जो है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो है इसका कानपुर मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट पास हो चुका है और बहुत जल्द इसमें आपको आप कानपुर ट्रेन की सेवा का लाभ उठा पाएंगे। और ये बात सही भी है, क्योंकि कल्याणपुर में मेट्रो ट्रेन का काम स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द जो है ये कानपुर ट्रेन में कानपुर के पॉपुलेशन सफ़र कर पाएगी। इसका जो हम आपको रूट बता दें, नौबस्ता से पहले जाएगा बुद्ध नगर, फिर उसके बाद संत विहार, फिर उसके बाद गिदवई नगर, बारा देवी, ट्रांसपोर्ट नगर, शकरकटी, कानपुर सेंट्रल, फूलबाग, बड़ा चौराहा, नवीन मार्केट, चुन्नीगंज, हर्ष नगर, मोतीझील, मेडिकल कॉलेज, रावतपुर, गीता नगर क्रॉसिंग, गुरुदेव पैलेस, कानपुर यूनिवर्सिटी, आवास विकास, कल्याणपुर स्टेशन, आईआईटी। तो कहने का मतलब ये काफ़ी लंबे जो इस जितनी भी एजुकेशनल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया और आपके जितने भी वर्किंग एरिया है, सबको ये कवर कर रहा है रूट। और एक्सपेक्टेशन ये है कि इस रूट को कवर हो जाने से बहुत सारी मुश्किलें सॉल्व हो जाएंगी, चाहे आपकी ट्रैफिक की हो, चाहे आपकी भीड़ भाड़ की हो, चाहे बस में और टेम्पो में सीट ना मिलने की हो। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कानपुर की जनता को, वो नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर देगी। यानी कि बहुत सारी पॉपुलेशन कानपुर मेट्रो के ट्रेन में सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करेगी और इसका शुल्क भी कुछ खास नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन ये भी है और ये भी माना जा रहा है कि इसमें कानपुर मेट्रो ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है सफ़र करेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस को कम समय में बहुत जल्द पहुँचा देगी, जिससे स्टूडेंट्स और वर्किंग एम्प्लॉयज का जो है टाइम सेफ होगा और वो अपने स्कूल कॉलेजेस और अपने ऑफिसेस, अपने फैक्ट्री एरियाज में टाइम से पहुंच पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलती है। प्लीज़ सब्सक्राइब नॉलेज इन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन।